हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीटी 5 गेम प्ले वीडियो। तो यार, अपने कल मेरा ट्रेवर के साथ जो फर्स्ट मिशन है तो देख लिया। तो यार, अभी भी मैं ट्रेवर पे स्विच दूँ, क्योंकि जब मैं फ्रैंकलिन और माइकल पर वापस स्विच हो रहा था तो यार वो हाई स्पेस से बहुत थक चुके, इसलिए मैं उन पर स्विच नहीं हो पा रहा था। तो यार, उनको ट्रेवर के कुछ मिशन करने पड़ेंगे, तब तक वो रेस्ट करेंगे। तो यार, आज हम ट्रेवर का एक और मिशन करने जा रहे हैं। तो यार, मिशन तो कर लेंगे, पर मेरे को आपसे एक बात पूछनी थी। अगर आप चाहते हो कि मैं जीटी 5 के साथ कोई और गेम भी खेलूँ, तो यार आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। तो गाइस, आप कमेंट करके बता देना कि मैं कौन सी गेम खेलूं GTA 5 के साथ। पर हम फटाफट चलते हैं अभी मिशन की लोकेशन पे। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मिशन की लोकेशन पे, और फटाफट अंदर चलते हैं और मिशन की स्टोरी देखते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो मिशन है वो क्या होने वाला है। गाइस, हमारा जो मिशन है वो एक बार से स्टार्ट हो रहा है। तो यार, मिशन की जो स्टोरी है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यार, देखते हैं स्टोरी को। गाइस, यहाँ पे ट्रेवर जो है एक बिजनेसमैन और मैनेजर से बात करते हुए यहाँ पे बार से बाहर आ चुका है। तो यार, इन दोनों बंदों की ट्रेवर ने हेल्प की थी, इनको एक गैंग से बचाया था। तो यार, इन्होंने कहा था कि वो ट्रेवर को जॉब देंगे, पर अभी मना कर रहे हैं। कह रहे यार, सॉरी, हम तुम्हें जॉब नहीं दे सकते, हमारी जो जॉब है वो ड्रग स्मगलिंग की है और वेपन ट्रांसपोर्ट की है, तो शायद तुम ये नहीं कर पाओगे। तो यार, ड्राइवर कह रहा है कि भाई, ये तो मेरा बचपन का ड्रीम है। मैं भाई जब छोटा सा था, तब मैंने सोचा था कि मेरे को ड्रग स्मगलर बनना है और वेपन ट्रांसपोर्ट करना है, तो मैं जॉब को करूँगा। पर यार, ये बंदे कह रहे हैं कि जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप, वो शायद तुम्हें नहीं आने देगा। तो ट्रैवर का ये सुन के भाई दिमाग ख़राब हो गया। तो ट्रैवर को गुस्सा आ रहा हो, तुम देख सकते हो भाई, जो बिजनेसमैन था उसको देखो क्या पकड़ के पेल रहा है ट्रैवर। जो मेन बिजनेसमैन था उसको तो ट्रैवर ने मार दिया। तो यार, अब ट्रैवर के मैनेजर से पूछ रहे कि तुमने किन के साथ डीलिंग की, उनको उनका नाम बताओ। तो यार, मैनेजर की तो फटके चार हो रखे। तो यार, मैनेजर ने उनका नाम बता दिया। तो भाई, जिन बंदों के साथ ये चाइनीज़ बंदे डील कर रहे थे ना, वो ट्रैवर का बहुत अच्छा दोस्त था, और ये ट्रैवर का आइडिया था कि हम ये सब डीलिंग वगैरह करेंगे। तो यार, उस वक्त तो उसने ट्रैवर को मना कर दिया था, पर वो छुपके से ये सब काम कर रहा था। ट्रैवर को बहुत गुस्सा आ चुका है कि उसने पहले तो इस प्लान से ट्रैवर को मना कर दिया था, वो छुपके से ये प्लान को कर रहा है। तो यार, ट्रैवर को बहुत गुस्सा आ चुका है और वो जा रहा है उसको मारने के लिए। भाई, जिन बंदों ने हमारे साथ धोखा किया था ना, उनका नाम ओलिव्स ब्रदर है। तो यार, फटाफट चलते हैं उनकी लोकेशन पे, और इस चीज़ के लिए तो भाई उन्हें बहुत बुरा मारने वाला हूँ आज मैं। ये लगता है जिस मैनेजर की मैंने पिटाई की थी उसने ओलिव को बता दिया, और उसका मेरे पास कॉल आ रहा है। तो भाई, मेरे को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यार, हम सब यहाँ फार्म में ही हैं, तुम आके हम प्यार से बात करते हैं। पर ट्रैवर का तो दिमाग ख़राब हो चुका। ट्रैवर कह रहा, अब कोई बात बात नहीं होगी, मैं आ रहा हूँ अभी तेरे बेस पे, और तेरी आज बहुत बुरी पिटाई लेने वाला हूँ मैं, तो तेरा जो बेस है वो मैं पूरा तोड़ फोड़ दूंगा। तो गाइस, तुम सामने देख सकते हो कि उस बंदे ने हमारा आइडिया चुरा के कितना तगड़ा एक विला खड़ा कर लिया है। पर आज ये बंदा मेरे से बचने नहीं वाला यार, कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड से पहले इनको मारूंगा, फिर उस बंदे को मारूंगा, और उसने जो वहाँ पर विला खड़ा किया ना, आज तो इस पूरे विला को ही उड़ा दूंगा। तो गाइस, यहाँ पे एक मोटा सा बंदा बाइनोकुलर से देख रहा था, तो शायद उसने मेरे को देख लिया और उसने सबको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो मैं फटाफट से चलता हूँ यहाँ पे और सबको मारूंगा, और फिर लास्ट में उस बंदे को ही मार दूंगा आज। मैंने बाहर दो तीन बंदों को मारा और मैं विला के अंदर एंट्र हो चुका हूँ। तो यार, मेरे को अब वो लेबोरेटरी ढूंढनी है जहाँ पे सारे ड्रग्स व्रग्स बनाते हैं और रिस्टोर करते हैं। और मेरे सामने रूम से तीन चार बंदे मेरे फायर कर रहे थे, मैंने फटाफट ने ग्रेनेड लॉन्चर निकाला, और वहाँ पे जैसे ही फायर किया तो इतना तगड़ा धमाका हुआ, वो तीनों चारों बंदे एक ही बारी में मर गए। तो यार, फटाफट से मैं लेबोरेटरी ढूंढता हूँ और चलता हूँ वहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे एक और बंदा था जो कि मैं छुपे से फायर कर रहा था, मैंने उसके हेडशॉट ही दिया, बंदा मर चुका, और मेरे को लेबोरेटरी का रास्ता मिल चुका, मैं आ चुका हूँ लेबोरेटरी के अंदर। ये था वो बंदा जिसने हमारे साथ धोखा किया था और हमारा प्लान एग्जीक्यूट करके इतना सही पैसा छाप लिया। तो यार, अब ये मेरे हाथों से नहीं बचने वाला, मैं इसे यहीं मार दूंगा। तो गाइस, वो बंदा तो मर चुका, और यहाँ पे गैसोलीन ट्रेल पड़ा है, तो मैं पूरे विला में ना गैसोलीन डालने वाला हूँ, ताकि जो यहाँ पे बचे हुए बंदे हैं ना, तो वो भी यहाँ पे जल के मर जाएंगे। तो फटाफट से मैं गैसोलीन डालता हूँ और बाहर जाके इस पूरे विला पे आग लगा दूंगा। लेबोरेटरी से गैसोलीन डालते डालते मैं आ चुका हूँ विला के बाहर, और अब टाइम है यहाँ पे आग लगाने की और इस पूरे विला को तबाह करने की। तो यार, फटाफट से गैसोलीन पे फायर करते हैं और इस पूरे विला को आग लगाते हैं।
तो गाइस मैंने यहाँ पे देखो 2-3 बुलेट फायर की और जो गैसोलीन ने आग पकड़ लिया और धीरे धीरे वो पूरे विला के अंदर जा रही है। तो थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ओ भाई साहब भयंकर सीन हो चुका है यहाँ पे, विला पूरा तबाह हो चुका है। और तुम ट्रेवर को देख सकते हो भाई, बॉलीवुड के हीरोज की तरह एकदम एंट्री ले रहा है और बैकग्राउंड में एकदम तबाही मच रखी है। तो गाइस हमने बदला तो ले लिया है, अब बारी यहाँ से निकलने की, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो यार अब उस एरिया से दूर आ चुके हैं और इसी के साथ जो हमारा मिशन है कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप गाइस आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही आपको कमेंट्स करके बताना है कि आपको GTA 5 के साथ और कौन सी गेम खेलनी चाहिए। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।